हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, कल ऑलमोस्ट 16,000 जो है बचने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है। अभी एक डेटा आया है सीपीआई का, और हमारे यहाँ भी जो है इसी टाइप के कल चार डेटा आ रहे हैं, तो वो डेटा काफ़ी अहम है मार्केट के लिए आने वाले वीक के लिए। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, लास्ट में हम बताएंगे कौन कौन से डेटा आ रहे हैं एंड उनका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप की जो भी हमारी एजुकेशनल ट्रेडिंग एंड इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो आती है वो आपसे मिस ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल कैसा रहेगा बाजार, किस साइड में करने हैं ट्रेड, और डेटा हम लोग एंड में जो है कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी को हमें बाई करना है 402 के ऊपर, एसएल होगा हमारा 396 का। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एशियन पेंट। एशियन पेंट को हम लोग सेल करके चल सकते हैं 3040 के नीचे, एसएल होगा हमारा 3050 का। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एसआरएफ। एसआरएफ को हमें डिप में बाई करना है, जो कि हमारा लेवल होगा 2120, क्योंकि कल पॉसिबल है कि गैपडाउन से शुरुआत हो सकती है। तो अगर गैपडाउन आता है एसआरएफ में तो 2120 के पास बाई कीजिएगा, सिर्फ 20 रुपए का एसएल लगाइएगा, टारगेट 40 से 50 पॉइंट का लेके चलिएगा। इसके बाद दोस्तों बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दोस्तों वो है 35,500, और जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 34,050। अब सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं कि आज इसने स्मॉल टाइम फ्रेम में क्या किया। वैसे तो आज इसने बहुत ही हीरोपंथी दिखाई है कि आज अकेले जो है हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, तो इसमें सहयोग जो HDFC बैंक का था वो इसको जो है थोड़ा सा मूव दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था। इसी की वजह से जो है बैंक निफ्टी ने जो है यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी दी 34,200 से, और हमने हालांकि पूरा फोकस निफ्टी पे किया था, फर्स्ट मॉर्निंग सेल था। इसके बाद जो है बॉटम पे बाई भी दिया था निफ्टी को, आज अच्छी खासी जो है बाउंस बैक हुई जो कि एक्सपेक्टेड थी। बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा फोकस कम था क्योंकि ये मार्केट के अगेंस्ट में चल रहा था, क्योंकि कभी भी ऐसे में धोखा हो सकता है, इसलिए हमने इसको आज साइड में रखा था। बाकी लेवल को अगर फॉलो किया होगा तो आपको जो है हेल्प हुई होगी ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी ने जो है एक रेंज को प्ले किया है 34,000 से लेके 34,760 तक। 800 के ऊपर स्ट्रांगनेस आनी थी जो कि आई नहीं। अगर 800 के ऊपर ये निकल जाता तो इसमें ज़रूर जो है स्ट्रांगनेस देखने को मिलती। अब USD/INR जो है साइडवे चल रहा था, स्ट्रांग है, ब्रेकआउट कर चुका है, उसके बाद साइडवे मोमेंट था, तो दो तरीके से इसको हेल्प मिला। इसकी वजह से इसने आज अपनी मोमेंट जो है यहाँ पे दिखाई। अब कल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, तो कल के लिए होपफुली शायद नहीं चलेगा, क्योंकि 35,500 तो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि बहुत बड़ा वाला है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, और 34,700-800 एरिया भी इम्पॉर्टेंट आज के लिए क्रिएट हो गया है। अगर कल 34,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो पक्का कंफर्म है कि ये नहीं चलेगा, आपको जो है सेल साइड से भी लेके चलना है वेट एंड वॉच करते हुए। अगर 34,500 के ऊपर है, जो कि क्लोजिंग 776 का ही है, लेकिन पॉसिबल है कि गैप डाउन हो, अगर 34,500 के नीचे सस्टेन है तो बिल्कुल आप सेल करके चलिए, फर्स्ट टारगेट 34,000 तक के होंगे। 34,000 अगर वॉयलेट किया बैंक निफ्टी ने तो और ज़्यादा गिरावट बढ़ेगी। बैंक निफ्टी कंप्लीट एंड कंप्लीट अभी सेल और राइज ही है, और एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मैं आपको दे रहा हूँ, निफ्टी जब तक 16,420 के ऊपर आपको क्लोजिंग न दिखाए तब तक जो है ये कन्विंस नहीं रखना है कि ये जो है ऊपर होगा, रिवर्सल होगा। सिग्नल्स हैं अच्छे खासे हैं, लेकिन ये सिर्फ बाउंस के लिए है, और बैंक निफ्टी जब तक 35,500 के ऊपर रिवर्स ना हो तब तक आप रिवर्सल की उम्मीद मत कीजिएगा। हाँ, 34,000 होल्ड है, बाउंस के लिए प्ले कीजिए, 34,000 ब्रेक हो गया बाउंस छोड़ दीजिए, फिर आप सेल के लिए स्टार्ट हो जाइए और 32,000 तक के टारगेट एक्टिवेट रखिए। डेटा देखिए, डेटा जो है बैंक निफ्टी के आज थोड़े से सुधरे जरूर हैं, लेकिन ये फिर डेटा कल लग रहा है कि चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 11,00,000 कॉल सेलर हैं और आपके जस्ट 9,00,000 पुट सेलर हैं, जो कि आज के लिए थे, और हमने इसकी एनालिसिस कल दी थी। कल ऐसी उम्मीद थी कि जो है डेटा बाद में बैंक निफ्टी के चेंज हो सकते हैं, डेटा को देख के ऐसा लगा था। निफ्टी तो कंप्लीट वीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम वीक था कम्पेयर टू निफ्टी। अभी देखिए तो कॉल सेलिंग जो थी यहाँ से स्क्वायर अप होती हुई दिखी है, निफ्टी में से ITM की जो कॉल थी वो स्क्वायर अप हुई है, और पुट राइटिंग जो अच्छी खासी आज हुई है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव खुला या फ्लैट खुला, तब तो आप समझिए कि डेटा सेम इसी तरीके से कंटिन्यू होगा कि कॉल सेलिंग जो स्क्वायर अप होगी और पुट सेलिंग जो इंक्रीज होगी और मार्केट आपका ऊपर जाएगा। अगर गैप डाउन हुआ तो ये जितने भी कॉल सेलर जो आज एक्टिव हुए हैं फिर से एक्टिव हो जाएंगे, और जो पुट सेलर आए हैं ये तुरंत मैदान छोड़कर फिर से भागेंगे। ठीक है, तो डेटा दोस्तों ये कह रहा है कि मार्केट में जो है आज बाउंस के लिए बनाया गया है, और चूंकि प्रीमियम भी खाना था, पुट साइड से प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आपको पता ही है कि बुधवार को मार्केट जो रेंज में ट्रेड करता ही करता है, और आप देख सकते हो कि मार्केट ने किस तरीके से दोनों रेंज को जो है प्ले किया हुआ है। और मैंने आपको बताया भी था, मॉर्निंग में भी हिंट दिया कि आप रेंज को प्ले कीजिए, और अगर निफ्टी में 200 तोड़ता है तो आप फिर और ज़्यादा पेन आएगा कार्ड पर। आपने देखा कि कैसे 16,200 के बाद 16,000 तक के लेवल
आज दिखाई दिए स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखेंगे अगर एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग भी, तो आपका जो शॉर्ट टर्म है बुलिश हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पुट सेलिंग दिख रही है, जो कि कल पुट बाइंग भी थी, सारी आज पुट बाइंग हट गई है। ये जो है आपके कल के एक्सपायरी के डेटा है, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सपायरी का भी डेटा चेक कर लेना है, क्योंकि अब पॉसिबल है कि ये डेटा जो है 12 वाला हटके जो है 19 वाले में जो है शिफ्ट होने लगे। तो जैसे ही हमने 19 वाले में शिफ्ट किया, देखिए टोटली पोजीशन जो है दोनों के बेयरिश से आ रही है, और इसमें पुट सेलिंग ही है, और इसमें जो है सम लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है कॉल साइड में, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, तो कल ही डेटा फिर से चेंज होगा और ओवरऑल जो पोजीशन आ रही है वो बेयरिश से आ रही है। इसके बाद हम लोग निफ्टी का भी डेटा इसी हिसाब चेंज कर लेते हैं, और निफ्टी का भी डेटा जो है चेंज करके देखेंगे कि क्या जो है पोजीशन बन रही है, क्योंकि अब हमें जो है नेक्स्ट के लिए डेटा देखना होगा। उसके पहले निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं। तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, वो है 16,450 का रेजिस्टेंस, और सपोर्ट है 16,050 का। वैसे तो 16,050 का सपोर्ट मैंने इसलिए दिया है कि अगर इनकेस मार्केट 16,000 के नीचे खुला तब तो ऐसे ही खत्म हो गया, अगर 16,050 के ऊपर खुल रहा है तो एक बार 16,050 से लेके 16,000 तक जो है आप नजर रखिएगा। अगर होल्ड होगा तो आप यहाँ से रिवर्सल के लिए प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज ये समझिए कि 16,000 गया, और 16,000 जाएगा तो बहुत बड़ा पेन आएगा मार्केट में, 300-400 पॉइंट निफ्टी लुढ़क सकता है यहाँ से, क्योंकि डेटा उस हिसाब से है। तो अगर 200 पॉइंट माइनस खुलता है तो 200 पॉइंट की और जगह होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है पुट राइटर एक्टिव है। 16,000 पे अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 1,06,000 जो है पुट राइटर हैं, ठीक है। तो 1,06,000 और नियर में देखेंगे 4-5 स्ट्राइक प्राइस आइदर साइड, तो इतने डेटा कहीं भी बिल्डअप नहीं है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, ये इतना जल्दी इजीली ब्रेक नहीं भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा है। इसलिए 16,000 अगर गया तो समझिए कि थोड़ी सी कहानी में दर्द जो है यहाँ पे दिखाई देगी। तो सिंपल सा लेवल है, और अगर राइज आता है 350-450 वेट कीजिए, सस्टेन न करे वहाँ से सेली कीजिए। हाँ, लोअर लेवल पे सेल करेंगे तो हो सकता है ट्रैप हो जाए, तो ट्राई कीजिए कि राइज पे सेल कीजिए। मार्केट शेयर ऑन राइज का ही है जब तक 425-430 के ऊपर क्लोजिंग ना आए क्लियर कट में, ठीक है। अब इसके बाद जो है निफ्टी का भी डेटा देख लीजिए हमारे ऑप्शन के, हमारे एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी बेरिस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले एक्सपायरी में आपको कम्प्लीटली जो है कम्प्लीटली पुट बाइंग दिखाई दे रही है, 16,250 से लेकर 17,650 तक कम्प्लीट एंड कम्प्लीट पुट बाई है। इसके बाद कॉल में देखिए तो पूरा शॉर्ट बिल्डअप है, और ये मामला और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो सम पुट सेलिंग भी है, जो कि हेज वगैरह के लिए लोग कर सकते हैं। तो डेटा तो दोस्तों कम्प्लीट वीक है। अगर आप NSE का ऑप्शन चैन का डेटा देखेंगे तो यहाँ भी 21,00,000 कॉल सेलर है, 10,00,000 पुट सेलर है, जो कि करंट का है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट का भी देखें तो यहाँ भी जो है आधे आधे का फासला है, 3,00,000 जो है कॉल सेलर हैं और 1,68,000 पुट सेलर है, यानी कि डबल जो है सीधे कॉल सेलर जो है यहाँ पे एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल 16,000 है, क्योंकि यहाँ पे करंट एक्सपायरी में तो है ही 1,00,000, नेक्स्ट में भी 21,000 सबसे ज़्यादा यहीं पे जो है राइटिंग हुई है। तो 21,000 यानी कि 16,000 टूटेगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। और कॉल साइड से तो देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेसिक जो डेटा बना हुआ है मेन डेटा, वो 16,500 पे है, क्योंकि बहुत मुश्किल दिख रहा है कि 16,500 पे या 400 पे निफ्टी जो है पहुंचे किसी भी एंगल से। सेलर एकदम एक्टिव है, तलवार भाले लेके कि जैसे ही थोड़ा सा राइज जाएगा हम यहाँ पे शेल ठोक देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल जो हम लोग डेली की तरह देते हैं आपको जो है हेल्प करेगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन से हैं चार डेटा जिन पे हमें रखनी है नज़र, और क्या उनका हो सकता है इंटरप्रिटेशन। और डेटा पे चलने से दोस्तों पहले मैं ये बता दूं कि जो आज का जो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा वो हम लोग इसमें कवर नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा अभी तक आउट नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ा डेटा लेट होगा। तो ट्विटर हैंडल पर जरूर जाइएगा, @equityadvance1 है, और डेटा जरूर चेक कीजिएगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डेटा जरूर चेक कीजिएगा ट्रेड के पहले, अदरवाइज मे भी ट्रैपिंग का मामला हो सकता है। सो इसलिए डेटा जरूर चेक करना है। चार डेटा जो है, सबसे पहला जो है CPI का डेटा है जो कि 5:30 बजे कल आएगा। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का डेटा है जो कि 5:30 बजे ही आएगा, और कम्युलेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है जो कि 5:30 पे ही आएगा, 5:30 बजे ही आएगा, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये भी जो है सारा जो है 5:30 बजे ही आएगा। ये सारे डेटा जो है आपके कल 5:30 बजे जो है आएंगे। इसमें से CPI का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन होंगे दोस्तों कि CPI का जो है डेटा क्या है। आज USA की तरफ से जैसे ही CPI का डेटा आया, वैसे ही डाउ ऊपर से कह सकते हैं कि 300-400 पॉइंट जो है लुढ़क गया, ठीक है, CPI का डेटा आते ही। तो आखिर ये जो है CPI का डेटा जो है क्या। तो CPI जो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो कि आपके प्राइजेस जो भी आप फूड वगैरह यूज करते हो, ये प्राइजेस क्या चेंज हुई हैं, तो आपको पता ही है कि प्राइजेस बढ़ी हुई हैं, कहीं से कोई घटा तो है नहीं। तो ये जो है डेटा जो है यहाँ पे शो होता है कि किस हिसाब से जो है आपका CPI हमारा है, यानी कि महंगाई किस हिसाब से घूम रही है। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
डाउ फ्यूचर जो है सीपीआई के आने के पहले जो है ट्रेड कर रहा था 32,400 प्लस, और जैसे ही सीपीआई का डेटा आउट हुआ 32,000 तक के लो लगा दिए उसने। राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 32,050 का रेट चल रहा है, यानी कि ऊपर से आप कह सकते हैं कि 500 पॉइंट के फॉल जो है डाउ फ्यूचर ने दिखा दी। और आपकी जो निफ्टी है वो 16,030 का ट्रेड ले रही है और एक बार 16,000 का लेवल भी टच कर चुकी है। अगर ये 16,000 का लेवल कर फिर से वॉलेट होता है तो सब कुछ खत्म, अदरवाइज 16,000 पे आप कॉन्ट्रा लेके चल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो हेल्प होगी जैसे डेली हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्प हो रही है तो लाइक कर दीजिएगा। पता है बहुत लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, बट थैंक यू सो मच जो भी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच जिसने लाइक भी किया है। दोनों लोगों को थैंक्स, दिल करे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।